तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कुछ झूले तैयार हो चुके हैं, तो मैं अपने बैग कैमरे से देखिए दोस्तों, ये स्कूल के बच्चे हैं घूमने के लिए आए हैं और ये काम चल रहा है इस पर। अभी डेकोरेशन लाइटिंग लग रही है इसमें, चलो आपको मौत के कुएं की तरफ ले चलता हूँ, कितना काम उसका हो चुका है, वो कितना बचा है ये देखिए गाइस। जे मौत का कुआ जो भी तैयार हो रहा है अभी, अभी इसका काम रह गया है ये देखिए। चल रहा है काम, जय भूत बंगला जो कि झूला सेक्टर के जस्ट बगल में है। चलो आपको झूले बता देता हूँ, अभी आपको मौत का कुआ जो बन रहा है अभी चल रहा है उसका काम इधर भी ले चलूँगा, आपको बताऊँगा कितना काम हो गया है। सो गाइस अब हम पापड़ खाएंगे, चलो पापड़ वाले के यहाँ चलते हैं, उससे पूछेंगे कितने का है। 20 का है, एक लगा देना, हाँ लगा देना। चलिए दोस्तों, वैसा मान चुके हैं पापड़ शॉप पर, वो पापड़ खा रहे हैं देखिए दोस्तों। तो प्लीज आप भी एक बार आइएगा ग्वालियर मंडी में, वो पापड़ खाइएगा, जो ग्वालियर के ग्वालियर मेले के अंदर ही दुकान लगती है। भाई साहब हमने पापड़ खा लिया है और चलते हैं बाहर, पेमेंट करना है 20 रुपये। चलते हैं बाहर 20 रुपये देके। तो आज अगर आप भी आना चाहें एक बार आना जरूर, और पापड़ खाना ना भूलना। तेरी तो अबे तेरी, चलो 20 रुपया काट ले, ये रही अकेले ही आओ। सुबह चलते हैं, लाओ ठीक है, सुबह चलते हैं। चलते हैं और आगे देखते हैं, मैंने आपको इतना बता ही दिया है कि अभी काम चल रहा है, मेला भी ठीक तरीके से लगा नहीं है, अभी काम कर रहे हैं, अभी कई दुकान हैं तो अभी लगी नहीं है, शोरूम अभी बिल्कुल भी लगे नहीं है, अभी काम चल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते मैं आऊँगा शायद मुझे मिल जाए पूरा काम, शायद तैयार हो जाए सब चीज़ें, तो फिर मैं आपके लिए फिर एक वीडियो और लेकर आऊँगा अगले हफ्ते, मैं देखूँगा उसमें कितना काम हो चुका है। तो अभी चलते हैं शिल्प बाज़ार की ओर, शिल्प बाज़ार में देखते हैं अभी खुला है कि बंद है। ये देखिए ये शिल्प बाज़ार के लिए मार्केट तैयार की गई है, छोटी सी मिनी मार्केट, यहाँ पर शिल्प बाज़ार लगाया जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना मेरी वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी जगह नेक्स्ट टाइम अगले हफ्ते इसी जगह, देखेंगे कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कहां क्या कितना काम हो चुका है, शोरूम कितने तैयार हो चुके हैं। अगले हफ्ते शायद
हो जाएंगे तैयार। मुझे इतना विश्वास है कि काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो चलते हैं बाहर। सो गाइस, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं और भी अच्छी ग्वालियर मेला की वीडियो आपके लिए ला सकूँ, जो कि जो है ग्वालियर मेला 2023 की वीडियो है, क्योंकि 2 साल बाद जो मेला लग रहा है, 2 साल बाद कोरोना की वजह से भी मेला लग नहीं पाया था, कोविड लॉकडाउन पड़ गया था, लॉकडाउन की वजह से कुछ मेला लग ही नहीं पाया था। तैयारियाँ तो हो चुकी थी लेकिन मेला नहीं लग पाया था, इस वजह से इस साल मेला लग रहा है। तो प्लीज़ अगर मेला स्टार्ट हुआ तो आप एक बार मेले में ज़रूर आएँ, घूमें, खाएं पिएं, मज़े करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।